चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे राजस्थान रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू। आज बनाने जा रहे हम गेहूं के आटे का हलवा। इसको हम राजस्थान में सीरा भी बोलते हैं। ये हमारे राजस्थानी फेवरेट डिश है। शुरू करते हैं। एक टोप में गुड़ लिया है 150 ग्राम जितना। उसमें एक गिलास पानी डालेंगे। पानी डालेंगे एक गिलास और वो गैस पर गरम करने के लिए रख देंगे कि गुड़ पूरा पिघल जाएगा। वो पिघलने के लिए गैस पर रख देंगे धीमी आंच पर, जितने बाकी दूसरी तैयारी करेंगे अपन दूसरी गैस पर। गैस ऑन किया है, कढ़ाई रखी है दूसरी गैस पर। दो बड़े चम्मच घी डालेंगे उसके अंदर कढ़ाई में। उसके अंदर घी को हिलाते रहिए और धीरे धीरे उसके अंदर आटा भी उतना ही डालेंगे जितना घी डाला अपन ने। और आटा जरा जरा सा थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे जाके उसके अंदर गांठें नहीं पड़े। धीरे धीरे हिलाइए उसमें, क्योंकि इसमें गांठें जल्दी पड़ जाती है। 100 ग्राम या 150 ग्राम जितना ही आटा डलेगा इसमें भी, ज़्यादा नहीं। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कंटिन्यू ज़्यादा बढ़ा सकते हो आप। इसको हिलाते रहिए धीरे धीरे, रुकने का नहीं है क्योंकि आटा चिपक जाता है। और ऐसा लूज ही रखने का, ज़्यादा टाइट नहीं रखने का। ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर हलवा अच्छा नहीं रहेगा। हिलाते ही रहिए, बहुत टेस्टी रहता है ये हलवा और सर्दी के सीजन में तो बहुत ही अच्छा रहता है और हेल्दी भी है खाने के लिए। और हिलाते रहिए, बाकी के चिपके नहीं है, ये जल्दी से कढ़ाई में चिपक जाता है। और इसको ब्राउन होने तक ही हिलाते रहिए। और अपन गुड़ के हलवा बना रहे, गुड़ के पानी का। देखो आटा पक रहा है, आपको दिख रहा होगा बुबले आ रहे हैं, उसमें खुशबू भी आ रही है घी की और आटे की। और साइड में पानी भी अपना हो गया पूरा रेडी, पूरा गुड़ पिघल के रेडी हो गया है। आटा हिलाते रहिए जब तक पूरा तैयार नहीं हो जावे आटा। चिपकना ही नहीं चाहिए, हिलाते ही रहिए जब तक पूरा नहीं रेडी हो जावे आटा। हिलाते रहिए, अपना आटा ब्राउन हो गया है, अच्छी तरह ब्राउन हो गया है। ये अभी ये कच्चा नहीं है। एकदम पूरी तरह से पक गया ये आटा।
अभी इसमें अपन गुड़ का पानी डालेंगे, छन्नी से छान ले, धीरे धीरे पानी डालेंगे, थोड़ा डालेंगे थोड़ा बाद में पानी डालेंगे, और धीरे धीरे हिलाइए, इसमें गांठें ना पड़े, थोड़ा वापस पानी डालिए। धीरे धीरे हिलाइए, धीरे धीरे हिलाते रहिए, पूरा पानी जल गया, देखो मिक्स पूरा पानी हो गया है। पूरा पानी जल गया है इसका।